अमीर गेमर के मेन कैरेक्टर की वर्चुअल लाइफ कैसी लगती है? उसकी अलमारी में शानदार कपड़ों का एक बड़ा सा कलेक्शन है। अच्छा ऑप्शन है। अब हीरो अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार है। हेलो, मुझे एक हाई लेवल की टैक्सी चाहिए। गुड आफ्टरनून मिस्टर थियो, आप कहाँ जाना चाहेंगे? पर कहीं बहुत दूर शहर के बैकवाटर पार्क में एक गरीब गेमर का कैरेक्टर है और उसकी इमेज पुलिस के सामने शुरू से ही ठीक नहीं रही है। हे, मैं ये लूंगा। वो अच्छे अमीर हीरो की तरह नहीं है, गरीब वाला एक असली चोर है। लड़की, मुझे अपनी सीट दो। क्या सिग्नल नहीं है? ये पुराना डब्बा फिर से खराब हो गया। खैर, अभी मैं टेट्रोमिनो खेल लेता हूँ। ठीक है, जब तक ये मैच ढूंढ रहा है मैं एक मिनट बाहर होकर आता हूँ। हे, हेडफोन की तार बहुत छोटी है, ऐसा नहीं चलेगा। ये रहा, मुझे यही चाहिए। कूल वायरलेस हेडफोन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। थियो ये विम अफोर्ड कर सकता है। ये पुराना हो गया, अब मैं आराम से ई स्पोर्ट्स को जीत सकता हूँ। तुमने मुझे क्या बोला? मैं तुम्हें पहचान लूंगा और ढूंढ निकालूंगा। आईपी से नहीं, आराम करने का समय है। ओह, बॉन एपेटिट। मुझे नहीं लगता मैंने इलेक्ट्रिशियन को तो नहीं बुलाया था। प्लीज चलो साथ में भाग जाते हैं। पर कैसे? हे तुम, क्या तुम्हें कभी इंटरनेट के एटिकेट पढ़ाए गए थे? उसने मुझे ढूंढ कैसे लिया? मैं अपना लॉगिन इस्तेमाल करता हूँ। मैं फिर से हार गया, मुझे ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं। गुस्से में थियो अपने महंगे डिवाइसेस को भी नहीं छोड़ता। बटलर को अमीर लड़के के गुस्से की आदत हो चुकी है, तो वो एक बेसबॉल टीम में एक अच्छा कैचर भी बन सकता है। खैर, मैंने सारे फॉर्म्स भर दिए हैं, अब मैं कॉफी ब्रेक ले सकता हूँ। जब तक डैड नहीं देख रहे मैं उनका कंप्यूटर इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली चैंपियन कौन है। एक गंभीर लड़ाई गेम से असली जिंदगी में आ चुकी है। मुझे भागना होगा। यह क्या हुआ था? जेम्स, तुम तो गए। अब सपोर्ट भी तुम्हें नहीं बचाएगा। गेमर्स को गिफ्ट में सबसे मजेदार चीज क्या मिल सकती है? बिल्कुल, गेम से जुड़ी हुई कोई भी चीज, जैसे गेमिंग डिवाइसेस। वाह, एक गोल्ड कीबोर्ड, गेम पैड, मैं अब खुश हूँ। वो मजेदार। मेरे पास एक पुराना मॉनिटर है तो मैं इसे बदल देता हूँ। एक गरीब गेमर के लिए कार्डबोर्ड का कंप्यूटर और गेम पैड भी बड़ी चीज है। हाँ, ये लो। वो कैसा लगा? मुझे जीतना होगा ये मैच, मैं ही जीतूंगा। लड़के ऑनलाइन गेम को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, वो इसके लिए कुछ भी करेंगे। फ्यू, मैं नहीं कर सकता, मुझे यह प्रोफेशनल मदद चाहिए। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मेरे लिए खेलो। मारो। हाँ, ऐसे। ओह, मुझे एक तगड़ा ओपोनेंट मिला है, तो अब छोटी मोटी कोशिश से काम नहीं चलेगा। वाह, खुद स्ट्रेंज मैन का दिया हुआ गिफ्ट। इस तरह की पावर के साथ हारना बिल्कुल नामुमकिन होगा। दुश्मन की टीम से कितना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, तुम हार नहीं मान सकते। एक बेस्ट गेमर भी स्ट्रेंज मैन की पावर को नहीं हरा सकता। ओह, जाओ यहाँ से लूजर। ओह हाँ, मैं जीत गया। तो ये एक मुश्किल लेवल है, अच्छा होगा तुम वो हथियार ले लो। ओह, समझ गया। क्या वो असल में जॉनी सिल्वर आर्म है? यो हे,
क्या मैं सपना देख रहा हूँ? कितना अजीब लड़का है, उसे छोड़ो, यहाँ ध्यान दो। गरीब गेमर जेम्स अमीर थियो की तरह नहीं है, वो सिंपल गेम्स और हीरोज के सपने देखता है, जैसे रेड कैप में फेमस प्लम्बर। यकीन नहीं होता, क्या मैं सच में सुपर लारियो में आ गया हूँ? इसका मतलब है मुझे कॉइन्स मिल सकते हैं। हाँ, ओप्स, डैड, तुम इन गेम्स के चक्कर में पागल हो रहे हो। मैंने इंटीरियर बदलने का सोचा है, हम कोई करोड़पति नहीं है। ये लो, तुम इससे ये सब ठीक करोगे। तुम आखिरकार जॉयस्टिक से कुछ भारी उठाने में काबिल हो जाओगे। मैं कितना अनलकी हूँ। अमीर थियो में भी चोट को सहने की शक्ति नहीं है। आउच, मेरी कीमती गेमिंग फिंगर, फिर से नहीं। एमिली, अभी यहाँ आओ, मुझे गंभीर चोट लगी है। चिंता मत कीजिए सर, मैं आपको एक स्टोन मसाज दूंगी और इसे ठीक कर दूंगी। जब आप अमीर हो और आपको गेम्स पसंद हो तो आपकी उंगली को खास देखभाल मिलेगी। हो गया, अगले 10 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहिए। शुक्रिया, मैंने लगभग आखिरी बॉस को हरा दिया। मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। आओ, मेरी उंगली, अब मैं कैसे खेलूंगा? मैं एक प्रोफेशनल गेमर हूँ। मैं कास्ट के साथ क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। आउच, ये अभी भी दुख रही है, पर एक सच्चा प्रोफेशनल इतनी आसानी से हार नहीं मानता। मेरे पैर की उंगलियाँ यूं ही नहीं है, फिर भी मैं हार गया। मैं अपने 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स को उनके सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहना चाहूँगा। ये खराब हो गया, एक मिनट रुको। बटलर जी सर, मुझे एक नया माइक्रोफोन चाहिए, वो अभी ले आएगा। ये लीजिए, आ गया। शुक्रिया। तो मैं कहाँ था? मेरी आवाज लड़कियों की तरह लग रही है, ये सब माइक्रोफोन की वजह से है। स्ट्रीम खत्म हुई। आपका पसंदीदा जेम्स फिर से हाजिर है और आज मैं एक नई रेसिंग गेम का रिव्यू बनाऊंगा। क्या मैं एक लूजर हूँ? इतने गुस्सा क्यों हूँ? तुमने एक डिसलाइक क्यों दिया? ओह, ये एक लाइक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे सब्सक्राइबर्स। ये फार क्रो का समय है। क्या उनकी हिम्मत कैसे हुई एक स्प्लैश स्क्रीन को मेरी फोटो के बिना बनाने की? ये गेम के सबसे बड़े फैन की बेइज्जती है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सर? और स्प्लैश स्क्रीन पर मेरी पिक्चर क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता। खैर, पता लगाओ। जी सर, क्या तुम्हें कुछ पता लगा? डेवलपर्स ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी है। ओह अच्छा, अब सही वर्जन है, ये काफी बेहतर है। गरीब जेम्स को भी नई गेम को खेलने में कोई हर्ज नहीं है। मेरी सालों की सेविंग्स को इस पर खर्च करने का शायद से कोई फायदा हो। काफी समय हो गया इंतजार करते हुए। क्या ये अभी भी लोड हो रहा है? बदकिस्मती से जेम्स के पास नए कंप्यूटर के लिए पैसे नहीं हैं और उसे अपने पुराने वाले पर ही खेलना पड़ेगा, जो कछुए की स्पीड से भी धीरे चलता है। शायद मेरी किस्मत में खेलना लिखा ही नहीं है। क्या आप ऑर्डर करना चाहेंगे? हाँ, शेफ की खास डिश और थोड़ी कोल्ड ड्रिंक। जब तक मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? सर, आप अपने VR ग्लासेस घर पर ही भूल गए थे। ये बहुत कूल है। सुनो, मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि तुम भी क्राफ्टमैन की फैन हो। मुझे भी आमतौर पर गेम्स बहुत पसंद है, तुम कमाल हो। ओप्स, लगता है थियो वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही खो गया था। उसने खुद मुझे किस करने की कोशिश की थी। बस कुछ और लेवल्स और फिर ये खत्म हो जाएगा। वाह, गरीब जेम्स VR ग्लासेस तो नहीं खरीद सकता, पर क्यों ना हाथ में जो है उसी से कुछ बनाया जाए। बढ़िया, ये पंच लो, सब नीरो। हमें वर्चुअल रियलिटी में ध्यान से रहना चाहिए, नहीं तो आप सच में किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। आउच, ये तुम्हारा है। शुक्रिया। क्या जेम्स को सच में कोई गेम से ज्यादा पसंद आ गई? ये लो मेरा नंबर।
मुझे कॉल करना, मैं करूँगा। क्या आपको लगता है कि महंगे गैजेट्स के बिना गेमिंग एंजॉय करना मुमकिन है? इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताएं। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई? इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं।